I think because of Hindi being a national language and then English being associated as official language, कई सारी languages जो हैं वो इन mainstream languages की वजह से होती जाती हैं. And I think it is very important that as a human हम दूसरे की identity की, दूसरे की language की respect करें, कि अगर वो जिस भी background से आता है उसको conserve करने की कोशिश करें. तो ये बहुत मायने रखता है. हम ये नहीं कह सकते कि कोई लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से सुप्रीम है या ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज एट द एंड इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. तो इस जितना भी ये ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा है लैंग्वेज को लेकर, अगर हम उसकी जगह इसको इस पहलू से देखें कि इट्स ऑल कनेक्टेड, क्योंकि इट्स ऑल अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये ज्यादा मायने रखता है. फिर अगर हम लैंग्वेज को पावर के पर्सपेक्टिव में देखें तो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. यू कैन मूव माउंटेन्स विद वर्ड्स. कई तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम जूलियस सीजर का एग्जांपल लें, तो सीजर की एक स्पीच ने किस तरह से पूरे मॉब को ब्रूटस के अगेंस्ट कर दिया था, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पावर ऑफ वर्ड्स का, कि कैसे लोगों को आप पूरा उनका सोचने का, समझने का पूरा आप दायरा बदल सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू. इसमें और एग्जाम्पल ऐड करते हुए हम गांधी का, नेल्सन मंडेला का, कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. हाउ दे मूव लाइक एंटायर नेशन विद द पावर ऑफ देयर वर्ड्स. उनके कहने पर ही कितने, मतलब कितने बड़े चेंजेस आ सकते हैं जस्ट द वे हाउ वी यूज द लैंग्वेज. अगर हम लैंग्वेज के यूसेज पे ही आ रहे हैं तो आई थिंक हिटलर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, क्योंकि उससे भी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, बी इट ऑन अ नेगेटिव साइड. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज पावरफुल, बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कॉन्शियंस, हाउ यू आर यूजिंग इट. आपकी कॉन्शियंस पे भी वो डिपेंड करता है. इसको हम आज के पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देख सकते हैं, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज भी कर रही होती हैं लैंग्वेज को, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, किसी की बात को किसी और तरीके से प्रस्तुत कर देना. तो ये सब चीज़ें भी हैं. तो लैंग्वेज कहीं हमें जोड़ती भी है, कहीं हमें तोड़ती भी है, बट देन इट डिपेंड्स ऑन अवर कॉन्शियंस. फिर अगर हम पावर की इंडिविजुअली बात करें, हाउ इट इज़ पावरफुल फॉर अस, लैंग्वेज का हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल है. लाइक वी नीड लैंग्वेज फॉर एवरीथिंग, बी इट फॉर डिस्कोर्स, डिस्कशन, क्रिएटिव थिंकिंग. हमें कुछ भी करना हो उसके लिए हमें लैंग्वेज की नीड होती है. तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी लैंग्वेज चाहिए, बी इट ऑन अ रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म. तो ये जो वर्ड्स की पावर है ये हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ढलने में भी हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर सिर्फ यहाँ का एग्जाम्पल लेकर चलूँ, तो मैं जहाँ से आई थी वहाँ ये मारवाड़ी या आई थिंक डुंडारी एक्सेंट ये नहीं बोला जाता है, बट देन आई केम हेयर एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों के साथ वो चीज़ में हम ढल गए. तो लैंग्वेज एक तरीके से, अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि ये हमारा बॉर्डर है, बस यहाँ पे हमारा, ये हमारी लैंग्वेज है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस तरह से भी कोऑपरेशन या जो भी है वो टूटता है. दूसरे की लैंग्वेज को समझना, उससे जुड़ना, वो एक तरीके से हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है बहुत. लैंग्वेज को अगर हम सोशल कल्चर से इस तरह से जोड़ते जाएं, तो आई थिंक एवरीथिंग, ऑल द काइंड्स ऑफ नॉलेज इज मीडिएटेड थ्रू लैंग्वेज. कोई भी ऐसा, मतलब लर्निंग नहीं है जो बिना लैंग्वेज के हम कर सकते हैं. लैंग्वेज बेसिकली एवरी साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस, एनीथिंग दैट वी स्टडी इज मीडिएटेड थ्रू लैंग्वेज, बट लैंग्वेज नेवर रियली क्लेम्स इट्स ओन. मतलब हम हर सब्जेक्ट को लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ रहे होते हैं, बट फिर भी लैंग्वेज कभी उसे पूरा तरीके से अपना क्लेम नहीं करती. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो हमारी लर्निंग में रोल है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में बढ़ तो जाता है, बट उसका जो बेस है वो हमेशा लैंग्वेज ही रहता है. बी इट वी आर स्टडिंग साइंस, सोशल साइंसेस, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, एट द एंड इट्स अ लैंग्वेज. सिंबल, सेंटेंसेस, सिंटेक्स वगैरह का पूरा, कोड्स एंड सिंबल्स का ये पूरा कॉम्बिनेशन है, उसके कोर में लैंग्वेज ही है.
कल्चर की बात करें तो वी ऑल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड सोशल बैकग्राउंड्स, तो हमारी सोसाइटी से भी हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है. हम किस तरह के हमारा माइंडसेट है वो हमारी लैंग्वेज में दिख जाता है. सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लैंग्वेज को रखते हुए ये कहना चाहें कि व्हेन अ पर्सन कम्स फ्रॉम अ सोशल बैकग्राउंड ही इज ब्रिंगिंग ऑल दोज थिंग्स विद हिज लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं. यूनेस्को की अगर हम माने तो यूनेस्को बिलीव्स इन इंटरकल्चरल एक्सचेंज थ्रू लैंग्वेज. तो इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स हैं, बहुत सारी डाइवर्स सोसाइटीज हैं, और फिर हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज है, अपनी बोली है. इससे अगर हम देखें तो इवन लाइक स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश और बिहार, जिन्हें हम मेजरली हिंदी लैंग्वेज वाले नॉर्थ जोन को हम हिंदी लैंग्वेज का मानते हैं, बट उसमें भी कितनी सारी बोलियां हैं और उसमें भी कितने सारे लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं. तो हम कह सकते हैं कि हर सोसाइटी की अपनी बोली है, अपनी लैंग्वेज है, और हम जब उसे इंटरकल्चरल, जब हम उस जगह जुड़ते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिल रहे हैं, तो हमें अलग अलग कल्चर्स की पहचान होती है उसके थ्रू. फिर अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर इज लाइक अ मैन इज द रोड हाउस ऑफ कल्चर. एक इंसान कहाँ से आया है और वो कहाँ जा रहा है वो उसके कल्चर से हमें पता चलता है. दिस इज लाइक अ सेइंग बाय रीटा मे ब्राउन. तो उनका इस तरह से ये कहना है कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उसके बात करने के तरीके से, उसके लहजे से, उसका पूरा कल्चरल बैकग्राउंड हमें पता चलता है कि अच्छा ये इंसान इस बैकग्राउंड से आता है या यहाँ से ये बिलोंग करता है. इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें अपने ही काफी सारे लाइक एपिक्स या बिब्लिकल जितने भी हमारी बुक्स हैं उसमें मिल जाएंगे. आई वुड लाइक टू शेयर एन एनेक्डोट वेयर श्री राम व्हेन ही फर्स्ट मीट्स हनुमान, तो वो उन्हें बहुत ही कल्चर्ड पर्सन की तरह रेफर करते हैं जब पहली बार श्री राम हनुमान से मिलते हैं. तो लक्ष्मण जी का ये बहुत ही थॉट होता है कि मतलब आप उनसे 5 मिनट बात करके कैसे कह सकते हो कि वो कल्चर्ड पर्सन है या वो सभ्य हैं. तो इसका जवाब राम जी इस तरह से देते हैं कि उनके बात करने के तरीके से और जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत कल्चर्ड पर्सन है. तो एक तरीके से लैंग्वेज जो है वो हमारी कल्चर को दर्शाती है, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, वो हमारी पावर भी है और तरीके से वो हमें जोड़ती भी है, तोड़ती भी है. जोड़ने पे तो हमने काफी बात कर ली कि हम इंटरकल्चरल एक्सचेंज कर लेते हैं लैंग्वेज के थ्रू. अगर हम इस पे आए तो कई सारे लाइक डिफरेंसेस भी आ जाते हैं लैंग्वेज के थ्रू. हम कई सारे कल्चर से मिल भी रहे हैं, हम जान रहे हैं उनके बारे में, हम दूसरे इंसान की समझ रख रहे हैं, बट इन दीज लिंग्विस्टिक बॉर्डर्स ऑल्सो एक्ट लाइक अ बैरियर समटाइम्स. और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बैरियर्स हैं ये लिंग्विज्म की वजह से ये रीजनलिज्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरह से जब लैंग्वेज की वजह से कुछ ऐसे आ जाते हैं, दरार आ जाती है, लाइक वी कैन से दैट बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी या बंगाल में जैसे रीजनल पार्टीज बन गई, या फिर साउथ का कह सकते हैं एग्जाम्पल लेते हुए. तो ये जो रीजनलिज्म होता है इससे क्या होता है कि जो स्टेट है और जो सेंटर है और जो स्टेट है उसके बीच में एक बहुत ही वेज या जो दरार है वो आ जाती है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट वो सीख कर रहे होते हैं और जो स्टेट है उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं. तो इस तरह से काफी सारी दरारें भी लैंग्वेज की वजह से आती हैं. और अगर हम इसको और डीप में बात करें तो लाइक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, विच इज बीन लाइक डिबेट, मतलब थॉट ऑफ डिबेट, मतलब बहुत इस पर डिबेट हो चुकी है कि वाई हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, बिकॉज कई सारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी का उतना प्रयोग नहीं होता है. एंड देन लाइक इम्पोजिंग अ लैंग्वेज ऑन अदर्स एंड दिस समटाइम्स मेक पीपल फील अटैक्ड. जब 1960s में इस पर बहुत ज्यादा बात हुई थी लाइक यूजिंग हिंदी इन एवरी ऑफिशियल पर्पसेस, तो उसका काफी सारा विरोध भी उठा था कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है.
कि वो रीजनलिज्म और जो नेशनलिज्म है, वो जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसमें भी लैंग्वेज का एक तरीके से बहुत बड़ा रोल है. बट यहाँ अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट करता है समटाइम्स. और फिर ये हो जाता है कि अच्छा, हिंदी हमारे साउथ में नहीं बोला जाता, एंड देन देर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस जैसे गुजराती, बंगाली, सिंधी, पंजाबी. तो इनका क्या रोल है? हाउ आर दीज लाइक माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनको वॉइस कौन दे रहा है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है. इस पे अगर देखा जाए तो एक सिंपल तरीके से जो एक ब्रिज क्रिएट होता है, वो ब्रिज है आर इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश. तो इंग्लिश अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज, नॉट जस्ट बिटवीन आर इंडियन कल्चर एंड द कल्चर्स ऑफ द होल वर्ल्ड. हमें इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कल्चर और बाकी वर्ल्ड के जितने कल्चर्स हैं उनसे ही नहीं ब्रिज करता है, बट ऑल्सो विद साउथ इंडिया और लाइक नॉर्थ इंडिया, जितने भी गैप्स लैंग्वेज की वजह से क्रिएट होते हैं, वो सब भी हम इस तरह से ब्रिज कर रहे होते हैं. बिकॉज देर आर मैनी लैंग्वेजेस दैट आर नाउ बींग इनडेंजर्ड, और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सब लोग ये मेन स्ट्रीम की लैंग्वेजेस में ही जुड़ने जा रहे होते हैं, बीट फॉर करियर पर्पसेस और फॉर रिकॉग्निशन, देर आर मैनी रीजन्स. बट कहीं ना कहीं वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनकी जो भाषा है वो अपना अस्तित्व इस मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस की वजह से खोती जा रही है. और फिर जितना भी ज़्यादा ये स्टेट और नेशनल लैंग्वेज के बीच में जो झड़प है, ये एक तरीके से इंग्लिश के ऑफिशियल यूसेज की वजह से थोड़ा कवर हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से कि लैंग्वेज इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट गोइंग ऑन इट्स नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट्स. अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करें तो देर आर मैनी थिंग्स, लाइक अगर हम एजुकेशन के पर्स्पेक्टिव में जाएं तो जितनी अलग अलग लैंग्वेजेस या मीडियम्स हैं, लाइक गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, इन सबको करिकुलम में इंक्लूड करना और ये ऑप्शन देना कि आप अपना पेपर इन लैंग्वेजेस में भी अटेम्प्ट कर सकते हो. दीज आर सम मेजर्स दैट आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू लाइक प्रिजर्व दीज लैंग्वेजेस. अभी करेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्निशन है बाय द गवर्नमेंट. उसके अपार्ट कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं. इंडिया मल्टी लिंगुअलिज्म में फोर्थ रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में, बट देर आर ओनली 22 लैंग्वेजेस विच आर गेटिंग ऑफिशियल रिकॉग्निशन. तो ये एक बहुत बड़ा खुद में भी एक सवाल है कि बाकी सारी लैंग्वेजेस का क्या, कहाँ उनका कंजर्वेशन है, कौन उस पर ध्यान दे रहा है. या इस रेट पे अगर चलता गया तो जितना भी उनका कल्चर है वो लैंग्वेजेस के साथ अपने आप में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा. और लैंग्वेज के थ्रू हमें बेसिकली इट्स लाइक विंडो टू ऑल दी अदर कल्चर्स. हम जितना ज्यादा लैंग्वेज के थ्रू किसी के बारे में समझ सकते हैं, उतना हम किसी और तरीके से नहीं समझ सकते. कई तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन, वो हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी, दूरदर्शन के थ्रू जो जितने भी शोज वगैरह होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, दीज आर सम मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. और वी कैन से दैट मेन स्ट्रीम सिनेमाज, उसकी वजह से जितना भी ऑल इंडिया कॉमन वोकैबुलरी में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम एक तरीके से एक पॉजिटिव एग्जाम्पल की नज़र में देख सकते हैं. बट ऑल इन ऑल दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन इन इट सेल्फ कि वॉट अबाउट द लैंग्वेज कंजर्वेशन, वाई इट इज नॉट सीन एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो एनीबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग और से समथिंग, एनी कॉमेंट्स? प्रश्न ये था कि जैसे लैंग्वेज को शब्दों के द्वारा दर्शाया जा सकता है क्या और क्या इसके कोई और कारण भी, मतलब और तरीके क्या क्या है लैंग्वेज के? जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो रोता है तो हम पहचान जाते हैं कि किस कारण से रो रहा है, भूख लग रही है उसको या तो पानी चाहिए, तो क्या ये भी एक लैंग्वेज है क्या?
इनिशियली ये भी एक लैंग्वेज का हिस्सा है, क्योंकि धीरे धीरे जब लैंग्वेज में साइंस सिंबल सब आ जाता है, तो अगर हम कोई एक्शन के थ्रू भी कर रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं उस चीज को, तो वो भी एक लैंग्वेज का पार्ट है। अपन जब भाषा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं एक विशेष संदर्भ के रूप में, तो अपन थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं, जिसमें अपन जो शब्द हैं, ग्रामर है, और दूसरा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिसमें से भाषा एक माध्यम है, संगीत किसी का माध्यम है, आर्ट फॉर्म किसी का माध्यम है। तो बच्चे के जो माध्यम है कम्युनिकेट करने के वो अलग हैं। तो उस सेंस में जब अपन देखें, तो जब अपन लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं कि भाषा अपने आप में क्या है, तो उस सेंस में अपन अलग करके देखते हैं। लेकिन जिस तरफ मानवीय इशारा कर रही है वो एज ए कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर रही है, तो कम्युनिकेशन में वो उसका हिस्सा ज़रूर है। पर जो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर, वो एक मीडियम है उनके खुद के अनुभव को शेयर करने का, साझा करने का। लेकिन क्या वो उस सेंस में भाषा है जिसमें अपन हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं? तो वो शायद, मेरा मत ये है कि वो उस सेंस में भाषा नहीं। इस बारे में था कि आपने एक ये कारण दिया कि लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, उसका सबसे एक मोटा मोटा कारण ये है कि डोमिनेंस ऑफ मेनस्ट्रीम लैंग्वेज, या फिर गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ लिमिटेड 22 लैंग्वेजेस को ही वो दिया जाना और कुछ लिमिटेड स्टेप्स। लेकिन क्या और क्या कारण है कि कोई भाषा का विकास होता है या भाषा का पतन होता है? फॉर एग्जांपल हिंदुस्तानी और हिंदी का जो डिबेट है, या फिर संस्कृत का देखते हैं हम कि संस्कृत का पतन क्यों, अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो वो भी गौर किया जा सकता है कि सोशल एक तरीके से ये भी है कि एक भाषा का विकास या पतन उनके लोगों की, कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं, कितना वो कम्युनिटी ग्रो कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। कितने सारे लोग उस भाषा से जुड़े हुए हैं और कितने लोग उसे अगर कटते ही जाएंगे तो वो धीरे से अपने आप ही समिटती चली जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, किसी का ध्यान ना देना देना, प्लस कितने लोग खुद को उस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं और उससे जुड़े रहते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। अर्थ युग में हम जी रहे हैं वो कुर्सी वाला, और सोसाइटी को लगता है कि भाई ये भाषा है, इस भाषा का प्रभुत्व है इस दुनिया में, और लोग फ्यूचर के उससे भी देखते हैं कि जैसे अभी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से सर्वाइव करना है, कहीं भी सर्वाइव करना है, तो अंग्रेजी का जो डोमिनेंस है वो साफ दिखता है और लोग उसकी तरफ चाहे अनचाहे दौड़ रहे हैं, और उसके कारण है। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, सबको पता है। वो अलग बात है कि ज़्यादातर मतलब जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें जो उस लैंग्वेज की पहुंच है और जिस क्वालिटी के साथ उस भाषा का अर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, पर उसके बाद भी डिजायर है। तो ये बहुत स्पष्ट बात समझ में आती है, हम कितने ही गुणगान करें संस्कृत के कि ये संस्कृत हमारी सारी भाषाओं की जननी है और से हमारे सारे ग्रंथ और सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, हमें इसको सीखना चाहिए। हमारे राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आम जन को ये बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि वो संस्कृत का कहाँ इस्तेमाल करने वाले, और संस्कृत आम व्यवहार की भाषा नहीं है। तो हम जो राजनीतिक जो एजेंडा है उसके थ्रू उस भाषा का के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं कर सकते। तो एक जो इसका उपयोगितावादी नज़रिया है वो ये भी है जो हमें बहुत साफ दिखता है। यही एग्जाम्पल है उसका, जब वाराणसी एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट ऑफ संस्कृत में भी कराई जाने लगी तो काफ़ी लोग तो उससे बहुत खुश हो गए कि अरे हमारी संस्कृत लैंग्वेज को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, बट उसके बैकग्राउंड में जो इसका पर्पस है, उसका इंटेंशन जो है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया। कि जहाँ हम एक प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं तो वो तो एकदम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है, उसे एक नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ा जा रहा है। इसी से मुझे याद आया जो अभी आपने कहा
रखी थी कि जैसे बंगाली कम्युनिटीज में या फिर साउथ इंडियन कम्युनिटीज में कभी कभी रीजनल लैंग्वेजेस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं या अपनी आइडेंटिटी एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि दोनों का केस भी काफ़ी अलग है, बट ये फिर से जुड़ता है जहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी को किसी एक ही कम्युनिटी से जोड़ा जाने लगता है, तभी ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज होती वही आती है। सेम गोज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने बाउंड्रीज अलग अलग कम्युनिटीज में कम कर दी, वहीं पे जो नेशनल आइडेंटिटी है वो और बढ़ करके दिखाई देने लगी। लोगों ने अलग अलग रूट अपना लिए अपनी नेशनल आइडेंटिटी एग्जर्ट करने की, चाहे जितना ही ग्लोबल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट ये सब बढ़ चुका हो, इंटरकनेक्शन बढ़ चुका हो, तो ये इस पर काफ़ी हम और डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्यों रीजनल आइडेंटिटी अपने आप को एग्जर्ट करने की कोशिश करती है, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाती है, उसका एक नेशनल जो नैरेटिव होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अच्छा कि किसी और के ये काउंटर, ये सब ऐसे चलता है, साइक्लिक होता है, किसी का रिएक्शन रिस्पॉन्स एक्शन रिएक्शन की तरह होता है। मान लीजिए आप या हम मैन हिस्से में तो उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम नोइंगली अनोइंगली बोल देते हैं, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, 1 of 22, इट्स नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। अगर यही बात हम अगर कोई साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से कोई व्यक्ति उसको बोले कि हिंदी बींग अ नेशनल लैंग्वेज और फिर कोई सेंटेंस, तो वो जो मैसेज था उसके आगे का वो भूल जाएगा, वो वहीं असर्ट करेगा कि हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज। सो जो फीलिंग्स सेंटिमेंट्स जो हमारी किसी लैंग्वेज पर्टिकुलर कल्चर पर्टिकुलर आइडेंटिटी से असर वो अटैच करते हैं हम, अगर वो हर्ट हो रहे हैं तो फिर हम ऑब्वियसली असर्शन आएगा ही आएगा, तो दैट्स वेरी नेचुरल। बात लग रहा था कंजर्वेशन वाले हिस्से पर, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी प्रदेश का हूँ और बंगाल में जाके एक दूसरे लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन बोला और वो सारी चीज़ें, तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं ड्रामा डिपार्टमेंट के थे जो लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं, कल्चरल स्कीम्स हैं, इससे ही उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है या तो हिंदी में है या तो इंग्लिश में, और वो सारे बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। अब वो प्रपोजल या तो वो हिंदी में लिखें जो उनसे कोसों दूर है, या अंग्रेजी में लिखें जो उनसे मतलब अथाह कोसों दूर है, ठीक है। तो एक इस तरह का रीजनलिज्म को लेकर एक इस तरह का चैप्टर ज़रूर है जो बहुत वेल नोन है पर वेल एक्टिवेटेड नहीं है ना। पर कंजर्वेशन को लेके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैंने एक बार अपने आप को ही एक बार ये देखा कि मैं सिंधी कैंप बस स्टैंड, जो लोग जानते होंगे यहाँ पर सिंधी कैंप बस स्टैंड, तो वहाँ टोंक वाले प्लेटफॉर्म पर मैंने काफ़ी समय बिताया लैंग्वेज और उसकी अनुभूति को लेकर कि मुझे किस तरह की अनुभूति हो रही है, और खुदा ना खासा उस दिन कहीं जाना भी था तो मैंने एयरपोर्ट पर कुछ समय बिताया भीतर। वो अचानक उस दिन वो वेल प्लान एजेंडा नहीं था पर वो बन गया वो एजेंडा कि मेरे पास दो अनुभूतियां हैं अलग अलग, एक जगह ऐसी हिंदी है जो इंग्लिश की तरह है, और एयरपोर्ट में घुसते ही जो स्पेस और लैंग्वेज और टाइम का जो एक पूरा जंजाल है, ऐसा लगा कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। सेल्फ डिग्रेशन की जो एक फीलिंग है लैंग्वेज के साथ ना, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कंजर्वेशन वाले हिस्से पर बात करना चाहूंगा, तो मुझे कुछ एग्जांपल्स याद आने लगे बंगाल के कि वहां पर जो बच्चा हिंदी, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी बोले, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं अपर मिडिल क्लास की उनका बच्चा अंग्रेजी बोले, तो इसका कनेक्शन कैसे बैठा पाऊं, क्या है इसका कनेक्शन, तो काफी पीछे जाना पड़ा। तो मुझे मदद किया धनवीर भारती साहब का एक
यात्रा वृत्तांत है जब वो वियतनाम गए थे, तो वहां पर जिस महिला के घर वो रुके थे वो मारवाड़ी फैमिली थी जहां वो रुके थे। तो ये समझ में आया कि हिंदी जो है कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में एक बिजनेस का लैंग्वेज तो रहा ही है, लोकल मार्केट का लैंग्वेज जो है वो हिंदी रहा ही, चाहे साउथ ही क्यों ना हो। ठीक है, अब जैसे ही हम देखते हैं कि औपनिवेश जब आता है हमारे पास, और औपनिवेशिक का जब ये चरम स्थिति है जहां पर इंग्लिश वर्सेस अदर्स है और अदर्स वर्सेस इंग्लिश है, तो हमें भी जरा सा देखने की जरूरत पड़ जाती है। जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो भी लैंग्वेज आता है वो अपने साथ पूरा कल्चर लेकर आता है, और वो जहां पर भी छाता है वहां के कल्चर को वो वाइप वॉश आउट कर देता है। तो ये एक बहुत भीषण समस्या है। हम ना अंग्रेजी में है, हम ना हिंदी में है, हम ना मारवाड़ी में है, हम ना ढूंढाड़ी में है, हम कहीं हैं। हम जहां भी हैं, हमारा मैं कल्चरलिज्म की बात करूंगा तो बहुत ज़रा सा रूढ़ी टाइप का लगेगा, पर आप मेरा सेंस, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा पूरा सवाल जो है वो मौलिक चिंतन पर है। इंसान को इंसान बनने में नया सोपान चाहिए, और वो नया सोपान तभी आ सकता है जब हमारे पास उस समय में कुछ मौलिक प्रक्रियाएं घटे, और उस मौलिक प्रक्रिया के लिए हमारा मौलिक लैंग्वेज का होना बेहद जरूरी है। वो अनिवार्य शर्त है, असल में बहुत ही अनिवार्य शर्त है। तो देखने की भी जरूरत है कि हम भी जिस सोसाइटी के हिस्से हैं, हम किस लैंग्वेज की एडवोकेसी करते हैं, और हम लैंग्वेज में किस चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं। ब्राजील का बड़ा एग्जाम्पल है हमारे साथ, पुर्तगीज वर्सेस स्पैनिश, स्पैनिश वर्सेस पुर्तगीज, पूरा औपनिवेश ने पूरा कल्चर वॉश आउट कर दिया। मैं कल्चर की बात कहने से अभिप्राय मेरा मौलिक चिंतन को लेकर है। अब मैं ये भी क्लेम नहीं कर सकता अभी कि इंग्लिश में क्या मौलिक चिंतन नहीं हो सकता है, वाई नॉट, पर उसके लिए हमें एक अरसा, एक बहुत ही लंबा वक्त चाहिए जब हम उसमें पूरी तरह से चीनी में पानी की तरह घुल मिल जाए। वो तभी संभव है जब मैं एयरपोर्ट पर जाऊं और मुझे ये प्रतीत ना हो कि हिंदी अंग्रेजी की तरह बोली जा रही है। तो कंजर्वेशन की जिम्मेदारी सरकारें कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मार्केट की लैंग्वेज है। पहले हिंदी थी, अभी अंग्रेजी है। हमारी रोजी रोटी की लैंग्वेज ही अभी अंग्रेजी है, या होगी वो। तो रीजनल लैंग्वेजेस में साहित्य नहीं रच पा रहे हैं हम लोग, तो कैसे कंजर्वेशन कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद भी डाइकोटोमी में हैं कि मैं बंगला बोलूंगा तो इस महफिल में मैं किस औकात में जाऊंगा। दिल्ली के मनीष सिसोदिया साहब का एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया इंस्टेंट, कि जब हम इंग्लिश की पुस्तक पढ़ते थे तो जी फॉर जेंटलमैन, तो उसमें ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, ये मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल है, कि जेंटलमैन का मतलब उसमें जो तस्वीर आती थी वो टाई और कोट पैंट के साथ, बट मैं देखता हूँ मेरा पिता तो बचपन से अभी तक मैं देखता है वो लुंगी पहन के दिल्ली बॉम्बे कहाँ कहाँ चला गया। तो ये एक कन्फ्लिक्ट्री है लैंग्वेज जो हमें अभी बहुत भीषण स्थिति में, हमको जाना कहीं और है, हम बैठे किसी दूसरे ट्रेन में, तब लैंग्वेज का कंजर्वेशन वाला जो हिस्सा है उसको मुझे लग रहा है कि वो बहुत क्या बौद्धिक जुगाली जैसा लगता है, कि जब तक लोकल इंटरवेंशंस नहीं होंगे उसमें तब तक मुझे लगता है मेरा अपना सीमित दायरा हो सकता है कि वो नहीं है। आई रियली नो वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्स्ट अभी हमें दूसरी लैंग्वेजेस में मिल रहा है, मे बी इंग्लिश में जितना ज़्यादा लिखा जा रहा है उतना मे बी उन रीजनल लैंग्वेजेस में हमें टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ना उसे पढ़ने के लिए उतने लोग हैं, ना कोई लिख रहा है, क्योंकि किताबें लिखने पे भी लोग ये ज़रूर दिमाग में रखते हैं कि हम कितनी लोगों को टारगेट कर पा रहे हैं, इस चीज़ के थ्रू हम कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं।
तो एक ये नजरिया भी रहता है लोगों का। और एग्जांपल रखना चाहूंगा, इसी में सबसे बड़ा दोन यही आता है अपने अपने सामने कि जो भाषा को बचाने की बात करते हैं वो फिर उसी सेंस में बचाने की बात करते हैं उसको, कि जब गांधी हिंदुस्तानी की बात कर रहा था तो वो इसी तरह की बात कर रहा था कि हर तरह को जोड़ के आप उसमें एक मिक्सचर कोशिश करो जिसमें हिंदी ना हो। लेकिन फिर बचाने वाले जब दौड़े उनके पीछे डंडा लकड़ी लेके, तो उन्होंने वही किया, जितने भी उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश की थी लोकल लैंग्वेजेस के साथ में, वो सब तोड़ दिए और एक शुद्ध भाषा की जैसे खोज करने के पीछे लग गए। एक मानक जिसको हम लोग भी मेन स्ट्रीम बोल देते हैं भाई, हाँ जो है ही नहीं मेन स्ट्रीम। राजस्थानी के बचाने के चक्कर में मैं हिंदी या इंग्लिश से नफरत शुरू कर दूँ तो फिर मैं राजस्थानी बचा नहीं रहा हूँ मैं। या तो मैं अपना कोई राजनीतिकरण है जो पहलू रख रहा हूँ, या फिर मैं अपनी कोई जो नफरत वाली एक दूसरी राह है वो लेके जा रहा हूँ, पर मैं एक्चुअल में बचाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये भी अपने साथ में द्वंद है कि बचाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही बचाना है, दूसरों के साथ में जोड़ के भी वो उसका संग्रहण हो सकता है। लैंग्वेज हवा में तो बचती नहीं, वही लोगों का बचना चाहिए ना, और लोगों के साथ साथ उनका कल्चर बचना चाहिए, जो उनका थॉट प्रोसेस है। ये जरूर है कि हर कल्चर में बहुत सारी रूढ़ियां हैं जिन पे सवाल होने चाहिए, जरूर है ना, निश्चय ही है वो ना, पर चीजों को देखने की जरूरत है। लैंग्वेज कैसे फ्यूडलिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है या नहीं देती है, इसको लेके कुछ कुछ बात तो हुई है, तो थोड़ी और स्पष्ट फ्यूडलिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है नहीं देती है क्या? ऐसा नहीं है कि बढ़ावा देती है, और ऐसा ये भी नहीं है कि ये बढ़ावा नहीं देती है। तो जैसे संस्कृत को ही ले लें, तो संस्कृत का एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ एसोसिएशन होना अपने आप में एक फ्यूडलिज्म का एक फॉर्म। उसी तरीके से हम इंग्लिश को ले लो, कि इंग्लिश इतनी अडेप्टिव हो गई 18वीं सदी की जो इंग्लिश थी आज वो नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से कम करिए, कहाँ है कि तो दुनिया के छोटे से कोने में लिमिटेड थी, आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, तो इनइक्वलिटी को ख़त्म नहीं कर, ख़त्म कर रही है एक तरीके से। आज नहीं है कॉमन लैंग्वेज, लेकिन धीरे धीरे बनती जा रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया हो गया या इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वो एक कॉमन लैंग्वेज के तो लैंग्वेज मेरे विचार में तो इसके दोनों फंक्शन है, अलग टाइम एंड स्पेस में अलग अलग तरीके से। आई थिंक ब्रिटेन की हर जगह दुनिया के हर कोने में कॉलोनीज होना और इंग्लिश का इतना प्रीच करना, उसने भी इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनकी जहाँ जहाँ कॉलोनीज रही हैं वहाँ वहाँ उन्होंने धड़ल्ले से चर्च के थ्रू या जिस भी माध्यम से उन्होंने इंग्लिश को बढ़ाया है। और अगर आप टीबी मैक्यूले से अगर थोड़े से परिचित हूँ, तो उसका जो पूरा एसे था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, तो उस पूरे ऐसे में जिस तरीके से उसने बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको एक बहुत ही निम्न दर्जे पे ढकेलते हुए इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज उस ज़माने में ही घोषित कर दिया था, तो ये भी बहुत बताता है उस बारे में। तो जिस तरह से वो इंग्लिश को ग्लोरीफाई करते हैं और उसको ही फोर्स करते हैं, वो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। कि एक छोटा सा बच्चा जिसे अभी स्कूल में एंटर ही हुआ है, जो अभी उस माहौल में ढल ही रहा है, उस पर उस लैंग्वेज को पूरी तरीके से फोर्स कर देना कि अगर आप बोल रहे हो तो आपको इसमें ही बोलना है, नहीं तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर थाट्स, आप अपने थाट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये एक बच्चे में, एक छोटे से बच्चे में क्या इम्पैक्ट डालता है, या फिर अगर पेरेंट्स को देख के अगर आप बच्चों को एडमिशन दे रहे हो, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स का ये होता है कि वो पेरेंट्स का भी टेस्ट लेते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और बच्चे का एक्सेंट क्या है। तो एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्क्रिमिनेटरी लगता है कि आप
कुछ छोटे बच्चे से भी आप उसकी जो लैंग्वेज है या जो भी है उसको छीनकर आप कुछ उस पर फोर्स कर रहे हो। इस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी है लैंग्वेज में। इनको हिंदी बोलने को इंसिस्ट कर, सिर्फ हम अंग्रेजी नहीं है जैसे तीसरी चौथी बच्चों के साथ इंसिस्ट करते हैं ना कि हिंदी में बोलो हिंदी में बोलो, तो वहाँ भी एक लेवल से उनकी लैंग्वेज को तो आप बहुत इतर कर रहे हो और एक गैप क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो ये सिर्फ अंग्रेजी के साथ ही नहीं हिंदी के साथ भी है, वो दूसरी भाषाओं को जब दबाने लगती है दूसरी भाषाओं का सम्मान नहीं करती तो ये चीज़ें वहाँ भी पैदा होती है। कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा जरिया है, या फिर वन ऑफ द मेजर जरिया बोलना ज्यादा सही होगा। एक्चुअली ये नॉलेज का कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना भाई। हमें हमेशा रियलाइजेशन रियलाइज करना है कि वेस्टर्न में क्या बोला गया है ना। मैं अगेन कोट कर देता हूं कि मैं कल्चरलिस्ट आदमी नहीं हूं ना, पर मेरा बार बार सवाल वही है मौलिकता को लेकर। तो वही देखेंगे कि पूरा जो नॉलेज का नॉलेज की जद्दोजहद है कि हमारा ज्ञान ही आपको इस दुनिया में सातवें आसमान पे बैठे किसी दिव्य व्यक्ति से मिला सकता है, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। यही आपकी रोजी रोटी का भाषा है, यही आपकी रोजी रोटी की ही भाषा होगी, यही आपके ज्ञान की भाषा है। तो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, कल को हिंदी कॉलोनियल हो संस्कृत हो सकता है, पर वो अब असंभव नहीं है, दुनिया बहुत बदल गई है। तो लैंग्वेज उसका एक खासा हिस्सा है, पूरा जो नॉलेज का मार्केट है वो देखने की जरूरत है कि हमें पढ़ना क्या है। मैं तो इमेजिन करता हूँ कई बार और सहम जाता हूँ कि मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर में रह रहा हूँ और मेरी बच्ची जो है 10 साल के बाद विजयदान देथा को अंग्रेजी में पढ़ेगी और वो शेक्सपियर और विजयदान देथा में अंतर नहीं कर पाएगी। एक सेंस की बात कह रहा था मैं, मतलब ये जो सभ्यता की जो होड़ है ना, मतलब हर इतने सभ्य बन चुके हैं कि जो हमारा बच्चा जो स्कूल में जो जिस भाषा में काम करता है खासकर वो हिंदी और अंग्रेजी, जैसे ही जिसने हरियाणा से हो तो वो अब अगर वो घर में आ गया और घर में आने के बाद उसने अगर अपने लोकल भाषा का प्रयोग किया तो उसको आएगा पीछे घुमा दे कि हराम को तेरे को अकल नहीं है तीन दिन बात करो, तेरे ऊपर हमने इतनी फीस लगा दी इतना खर्चा कर दिया अभी भी गंवार का गंवारी है ना। तो बिल्कुल ये इतने मतलब गुड एग्जांपल हैं कि हम ऐसे तो जो हमारी जो भाषा है वो धीरे धीरे खासकर मात्र जो भाषा है वो भाषा है धीरे धीरे उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जितने सीरियल आते हैं क्योंकि पहनावे का और भाषा का आपस में बहुत जुड़ा हुआ है, वो धोती कुर्ते में है तो मानेंगे ये तो देसी आदमी है देसी भाषा बोलेगा है ना उसका पहनावा। सीरियल में क्या होगा, सीरियल में जैसे मान लो कोई गुंडा है देसी गुंडा तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलेगा वो, है ना। अगर वो हरियाणा से होगा बाहर आई ना खा ले हाँ तो इसको निपटा देना है ना। इस तरीके की जो लैंग्वेज है ना, मतलब जो मातृभाषा है उसको हम धीरे धीरे मतलब यहाँ ला के ये बहुत ख़राब और बहुत ही गुंडागर्दी वाली भाषा है ये बोल के उसको हम उससे आगे निकल जाते हैं और हम मानक जो आप ये बात बोलते हैं हम मानकता की तरफ जो है चले जाते हैं। और अगर गांव में हमें ये चीज़ें मिलेंगी ना तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास आप बैठेंगे तो वही रहस्य आपको मिलेगा। तो मैं बस यही बात ऐड करना चाहता कि जब भी खासकर मैं जब भी देखता हूँ ना जो एकल परिवार है या फिर संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में वो आपको भाषा मिलेगी लेकिन एकल में जो बिल्कुल ऐसे परिवार है वहाँ पे उनका पता ही नहीं है उनकी भाषा है कौन सी है ना। तो वो वाटर पीलो हाँ तो संक्रमण काल में तो इसलिए अपनी मातृभाषा से प्रेम करना मुझे लगता है कि जो आप भी जिस पर इशारा कर रहे हो पूरी पॉलिटिक्स आपने जो बताई है तो इससे विचार विमर्श हमें करना चाहिए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके आपका नॉलेज है इसमें, मतलब काफ़ी अच्छी बात आपने रखी है
और बाकी साथियों ने अपने पता नहीं आओगे ना आओगे, इसलिए फिर मैं उठता उठता क्योंकि हमारी जो कमांड कच्ची ढाके पक्की नहीं बनानी, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास लैंग्वेज है वो खत्म करके अपने पास है, इसके अलावा और भी आपको सीखने का मौका मिल रहा था सीखनी चाहिए, इसलिए वो गाना है कि भाई कच्ची नहीं ढानी और पक्की भी बनानी है, कच्ची दीवार को ढाना नहीं है मतलब तोड़ना नहीं है और पक्की भी बनानी है। तो फॉर्मली थैंक यू। हाँ सर, देव सर पर चले जाते हैं, तब जाके लड़ाई दंगे शुरू होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सभ्य है, ये असभ्य है। तो भाषा का कोई मानक है नहीं, भाषा नदी की तरह बहती हुई है, वो तलछट छोड़ती है किनारों पर और वहां से फिर ढाती है, फिर मिलाती है अपने आप में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे शब्दों को, जहां जहां पर उसका इंटरेक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वो चीजों को मिलाती जाती है और जो अनुपयोगी है उस तलछट को वो छोड़ती जाती है। अब जितना भी क्राइसिस पैदा किया है वो एक तो व्याकरण ने किया है शास्त्रीयता, और दूसरा, और ये अभी कॉलोनी के समय से नहीं है, आप कालिदास के ऊपर वो उठाओ नाटक जो राजसी पात्र हैं वो संस्कृत बोल रहे हैं, है ना, और जो महिलाएं हैं निचला तबका है वो प्राकृत पाली बोल रहा है, वहां अलाउ ही नहीं है संस्कृत बोलना उनको, मतलब नाटक में भी अलाउ नहीं है, इतनी भयंकर शास्त्रीयता बातें होती है। आप कितने भी भारत रत्न पद्म विभूषण ये उठा के देख लीजिए, किसी भी रीजनल और पॉप को अभी तक इस तरह का कोई अवार्ड नहीं मिला है। तभी तो हम बचा पाएंगे ना लोकल डायलेक्ट्स को, तभी बचा पाएंगे और व्यवहार में आएंगी, तभी आप भी जाने मैं भी जाऊँ, जिस चीज को मैं जान रहा हूँ तो आप थोड़ा थोड़ा जाने, तो उससे क्या है कि भाषाओं का सम्मान बढ़ता है, तभी हम इस तरह से कंजर्वेटिव जो होने की बात करें और संरक्षण करने की बात करें तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो बचाते हो राजस्थानी अभी यही निर्धारित नहीं कर पा रहे कौन से राजस्थानी, ढूंढाड़ी को कहें या मारवाड़ी को कहें, यहाँ लट चल जाएंगे अभी कोटा में स्टॉक में। बातचीत की दूसरा ये हमारा मौका है, दूसरी बार हम बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम सब लोग ये इस तरह का कल्चर बनाए कि ऐसे मुद्दों पे हम यहाँ सब बैठ के अपनी अपनी बात कहें और ये सिलसिला जारी रहे।